press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन को खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस ग्रुप कैप्टन का नाम अरुण मारवा है, जिसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मारवा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। आरोप है कि मारवा को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया और खुफिया जानकारियां निकलवाई गई। अरुण मारवा ने वायुसेना की खुफिया जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दे डाली। आरोप है कि मारवा कई महीनों से ISI की महिला एजेंट्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में था। गौरतलब है कि एयरफोर्स के अधिकारियों को विशेष फोन दिए जाते हैं, उन्हें बाहर के सामान्य फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन मारवा अपना फोन लेकर जाता था और इसी फोन से खुफिया जानकारी एकत्रित करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ISI के एजेंट को देता था। इसके बाद एयरफोर्स ने आंतरिक जानकारी के आधार पर जांच के आदेश दिए। हनी ट्रैप की पुष्टि होने पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मारवा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मारवा ने कौन कौन से दस्तावेज ISI को उपलब्ध कराए हैं। कुछ माह पहले ISI के एक एजेंट ने लड़की बनकर मारवा से संपर्क किया था। इसके बाद दोनों में फोन पर लगातार चैटिंग होना शुरू हो गई। यह दोनों एक दूसरे को अश्लील मैसेज भेजते थे। लड़की बनकर कैप्टन अरुण मारवा को पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के बाद ISI एजेंट ने उससे कई गोपनीय दस्तावेज मांगे। आरोप है कि मारवा ने कुछ गोपनीय दस्तावेज ISI को मुहैया करा दिए। उल्लेखनीय है कि हनी ट्रैप जासूसी का एक तरीका है, जिसमें खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर गोपनीय जानकारियां हासिल की जाती हैं।